जो अगला सवाल हमारे पास है वो सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, और सवाल ये है कि क्या वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू का एड्रेस हम चेंज करते हैं, सॉरी एड्रेस नहीं बल्कि वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू को चेंज करते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एड्रेस पर। यहां पर परसेंट पी यानी कि हम एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वन रखा हुआ है। अगर मैं इसको रन करवाता हूं, यहां से मैं डायरेक्टली रन करवा लेता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एड्रेस आप नोटिस कर लीजिए, ए में क्या वैल्यू रखी है, वन रखी है, यहां पे वन भी प्रिंट हो रहा है और एड्रेस आ रहा है 0060FEFC, 0060FEFC, ये एड्रेस है, ठीक है। अब अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं, चलिए चेंज करते हैं, वैसे कोई असर पड़ेगा नहीं, मैं बता देता हूं आपको, यहां पे 90 रख दिया हमने, ये वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करता है, वैल्यू का एड्रेस थोड़े ना प्रिंट करता है, तो वेरिएबल तो हमारा ए ही है, ठीक है, उसी का एड्रेस हमें प्रिंट करवाना है। तो यहां पर अब मैं वापिस से क्या करता हूं, इसको रन करवा देता हूं, तो ये रन करवा दिया। अभी भी आप देख सकते हैं यहां पर वन हो गया है, लेकिन यहां पे 0060FEFC ही आ रहा है, देख सकते हैं कि नहीं। आप अच्छे से इस चीज को एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए यहां पर सेम वही चीज आ रही है, क्लियर। तो यहां पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, वैल्यू चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कभी भी आप जब पॉइंटर के थ्रू या एरे के थ्रू एड्रेस जानना चाहेंगे किसी भी वेरिएबल का, तो वो वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू का एड्रेस थोड़े ना बताएगा, वो हमेशा वेरिएबल का एड्रेस बताएगा, वैल्यू का एड्रेस नहीं बताएगा। अब यहां पे मैं 55 कर देता हूं, तब क्या होगा, तभी भी वही कंडीशन रहेगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां से इसको रन करवाता हूं, अब देखिए फिर वही चीज, सेम एड्रेस सेम बना हुआ है, एज रिमेन सेम, देखिए 0060FEFC, ठीक है। तो ये वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू का एड्रेस नहीं बताता है, वेरिएबल का एड्रेस बताता है, क्लियर, ओके।